वेलकम फ्रेंड्स, ए आर दी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि आपके जो कर्मचारी हैं, अगर आप संस्था प्रधान हैं और आपके जो कर्मचारी हैं उन्होंने अगर आवेदन किया है अवकाश के लिए, तो उसको किस तरह से आप स्वीकृत या रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव किस तरीके से करें, रिजेक्ट किस तरीके से करें, सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, जिसके अंदर बताया था कि आप अपने स्टाफ की ऑनलाइन उपस्थिति किस तरह से दर्ज करें, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था कि आप अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको वह जानकारी भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको शाला धर्म पोर्टल पर जाना होगा, और शाला धर्म पोर्टल पर जाने के बाद आप लॉगिन कर लें अपने विद्यालय का, और आपका स्कूल लॉगिन आपके सामने इस तरह से आता है। यहाँ पर आपको स्टाफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टाफ अटेंडेंस का ऑप्शन। आप स्टाफ अटेंडेंस पर क्लिक करें। श्योरी, अगर स्टाफ अटेंडेंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप स्टाफ की अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन लीव अप्रूवल की बात आए तो इसके लिए यहाँ पे लीव अप्रूवल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे लीव अप्रूव करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। लीव अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आएगा, स्कूल की आईडी आएगी, और यहाँ पे लीव की जो एप्लीकेशन है वो आएगी, कितनी एप्लीकेशन आई हुई। और अगर आप पीओ लॉगिन से अगर स्टाफ में जाकर और लीव एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके जो विद्यालय हैं, जो आपके अधीनस्थ विद्यालय जो भी हैं, उन सभी विद्यालयों के आ जाएगा कि लीव एप्लीकेशन कौन से विद्यालय में कितनी एप्लीकेशन आई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से जो पीओ स्कूल है वो उनके शो होता है। जब आप स्कूल के नाम के आगे जब आप स्कूल के नाम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस स्कूल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो लीव की एप्लीकेशन दी है उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक एक एम्प्लॉय का नाम आया है, उसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरे जो और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका आ जाता है, रीजन आ जाता है कि वो लीव क्यों लेना चाहते हैं, और टाइप भी आ जाता है कि कौन से टाइप का अवकाश वो लेने चाहते हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगी आपको कितने तारीख तक वो अवकाश लेना चाहते हैं, और उसके बाद में जो दिन है वो आ जाएगा। स्टेटस है वो यहाँ पे पेंडिंग है, तो इसको आपको क्या करना होगा, आप इस पे क्लिक करके, मतलब व्यू वाला जो है ये लास्ट वाला, ये व्यू के नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को पूरा डिटेल में देख सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो रिमार्क्स जो होता है वो आप रिमार्क के अंदर लिख सकते हैं। अब जैसे कि आप इस पे व्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप इसको देख ले कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि लीव है वो स्वीकृत की जानी चाहिए तो आपको वहां पे जो पेंडिंग जो ऑप्शन दिख रहा था स्टेटस में, वहां पेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब स्वीकृत करना चाहते हैं, तो उसको प्रोसेस्ड सेलेक्ट कर लें, और अगर आप पेंडिंग रखना चाहते हैं विचाराधीन तो आप पेंडिंग रख सकते हैं, और अगर आप उसको रिजेक्ट करना चाहें तो वहां पे रिजेक्टेड का ऑप्शन मिल जाता है, वहां से आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि इस कॉलम के अंदर आप जैसे पेंडिंग था, आप यहाँ पे प्रोसेस्ड कर दिया आपने, उसके बाद में अगर आपने प्रोसेस किया है यानी उसको सबमिट किया है, तो उसके बाद में आपके इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स खुलता है जिसके अंदर लिखा है कि लीव एप्लीकेशन प्रोसेस्ड। उसके बाद में जब आप इसको क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने अप्रूव की हो तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा आएगा, और आपने अगर रिजेक्ट की हो तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉय है वह भी अपने स्टाफ कॉर्नर पे लॉगिन करने करके स्टाफ विंडो पर लॉगिन करके देख सकता है अपना स्टेटस। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेटस किस तरीके से देख सकता है कि आपने एप्लीकेशन वो स्वीकृत की है या फिर रिजेक्ट की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।